तो हेलो फ्रेंड्स, आपका शिशु शायद 6 या 7 महीने की उम्र में पलटना शुरू करेगा। इस समय तक उनकी गर्दन और बाजुओं की मांसपेशियां मजबूत हो चुकी होंगी। कुछ शिशु 3 महीने की उम्र में ही पलटना शुरू कर देते हैं, वहीं कुछ अन्य बच्चे होते हैं ऐसा करने में उन्हें 7 से 8 महीने का समय लग जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद लक्ष्मी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि शिशु पलटना शुरू कब करते हैं, बच्चे लेटने के बाद करवट बदलना कब सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शायद ही आप नए पेरेंट्स बने होंगे अभी, क्योंकि नए नए पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है और उन्हें ये जानने की बेहद इच्छा होती है कि उनका बच्चा कब पलटना सीखेगा, कब घुटने के बल चलना सीखेगा, कब खड़ा होकर चलेगा, कब मम्मी बोलेगा, कब पापा बोलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि आपका बच्चा करवट लेना कब सीखता है, यानी पलटना कब सीखता है। फ्रेंड्स, नवजात शिशु के माता पिता काफ़ी इत्मीनान से रहते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी कहाँ वो पलटना जानता है। 3 से 4 माह का बच्चा भी पेट से पीठ केवल पलट सकता है। बच्चे का पलटना असरदार उसके शारीरिक और मानसिक विकास को भी दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, उसके बॉडी एक्टिविटी के हिसाब से उसके मानसिक विकास का भी पता चलता है। उसकी बॉडी एक्टिविटी अच्छी है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। बच्चे खुद से जो सबसे पहली कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं वो है पलटना। हम जानते हैं कि आप अपने बच्चे को घुटनों के बल चलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उससे भी पहले बच्चे खुद से पलटना सीखते हैं। अक्सर 3 से 4 माह की आयु में बच्चे पहली बार बच्चा पलटना शुरू करता है। कुछ बच्चे इसमें भी 6 से 7 महीने का समय लगा देते हैं पलटने में। पलटना वैसे तो अपने आप में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती है, लेकिन पलटने के साथ ही बच्चा बैठना, घुटनों के बल चलना और फिर पैरों पर चलना सीख जाता है। दरअसल नवजात शिशु को जिस भी अवस्था में लिटाया जाए उसकी दुनिया वैसे ही दिखती है, लेकिन पलटने के साथ वह अपनी दुनिया को अपने हिसाब से देखने में भी शुरू कर देता है। और जब बच्चा पीठ से पेट के बल पर पलटता है तो उसे चीज़ें सीधी और अपने अधिक पास नज़र आती है। यहीं से शुरुआत होती है उसके घुटनों के बल चलने की। फ्रेंड्स, बच्चे के शारीरिक विकास का संकेत यह है, बच्चा जब अपने गोल मटोल से शरीर को पलटने का प्रयास करता है और उसमें सफल होता है तो यह उसके लिए बहुत ही बड़ा शारीरिक बदलाव भी होता है, क्योंकि इसी के साथ साथ धीरे धीरे बच्चा अपने शरीर, खासकर अपनी मांसपेशियाँ, गर्दन और सिर पर नियंत्रित भी बढ़ने लगता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में तालमेल होने की वजह से ही हम अपने बच्चे को मनचाही अवस्था में घुमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने बच्चे को पलटना सिखाने के लिए आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा पेट के बल लिटा कर रखें, जिसे टमी टाइम बोलते हैं। इसमें बच्चा अपने सिर और गर्दन को उठाते हुए अपनी बाजुओं से खुद को हल्का सा धक्का देना सीख जाता है। यह छोटा सा धक्का बच्चे की गर्दन, कंधों और बाजुओं की मांसपेशियों को और मजबूत बनाता है। आपने छोटे बच्चे को अपनी टांगें और बाजुएं ऐसे चलाते हुए देखा ही होगा जैसे कि वे तैराकी कर रहा हो, जैसे वो पानी में तैर रहा हो। यह सब बच्चे अपनी मांसपेशियों के मजबूत होने के बाद ही सब कर पाते हैं, जिससे पहले तो वे एक करवट से दूसरी करवट और फिर पीठ के बल और पेट से पीठ तक का सफ़र तय करते हैं। ये सीधा उनको लिटा दिया जाए तो वो फिर पेट के बल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जानेंगे कितने महीने में बच्चे पलटना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे 3 से 4 माह के भीतर ही पलटना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ बच्चे 6 से 7 महीने में भी पलटना नहीं सीख पाते हैं, फिर 6 से 7 महीने में वो भी सीख जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में बच्चा पहले पेट से पीठ की तरफ पलटना सीखता है और उसके लगभग 1 माह के बाद वह इससे विपरीत पलटता है, यानी अगर वो पीठ के बल है तो फिर पेट के बल पलटेगा। पीठ से पेट की तरफ पलटने के लिए अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मांसपेशियों की अधिक ताकत लगती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में तालमेल भी अधिक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एकाएक बच्चा पलट कर आपको हैरत में डाल देगा। बच्चे अपनी ज़रूरत को बताने के लिए धीरे धीरे करवट बदलना शुरू करते हैं, जैसे कि अगर उनके कपड़े गीले हो गए हैं तो वो पीठ के बल से करवट हो जाएंगे। जब बच्चे पलटना सीख जाते हैं तो उन पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है बेड पे, क्योंकि वो पलट कर नीचे भी गिर सकते हैं और उन्हें चोट भी लग सकती है।
कई बच्चे तो अपनी इच्छा से पीठ से पेट और फिर वापस पेट से पीठ तक का पलटना सीख जाते हैं। वे कई बार एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं। वो दूसरी जगह पहुंचने के लिए पलटी मारने का भी प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 7 माह का हो गया है, आपका बच्चा पलट नहीं रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा पलटी मारना सीख जाता है, करवट बदलना सीख जाता है, तो उन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब बच्चे पलटी मारना सीख जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी माता पिता की होती है और उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आप बच्चे के आसपास जितनी भी चीज़ें रखे हैं, फिर चाहे वह आपका लैपटॉप हो, आपका चार्जर हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, रसोई का कोई भी तेज धार वाला जैसे चाकू चम्मच, कोई भी सामान हो, कांच का सामान हो, बच्चा इन सब चीज़ों की तरफ तेज़ी से आकर्षित होता है, उन तक पहुंचने का कोशिश करता है। उसे सभी चीज़ों को अपने हाथ से छूने की बहुत जल्दी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा भी घुटने के बल चलना या उठना सीख गया है, तो आप इन सब चीज़ों को बच्चों से दूर रखें। जैसे बच्चे के आसपास कोई भी वायर नहीं होना चाहिए, कोई भी तार नहीं होना चाहिए, और बच्चे के आसपास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होने चाहिए। बच्चे को कोशिश करें कि बेड रेल लगाकर ही या फिर झूले में उसको सुलाएं। बच्चों को सीढ़ियों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे जब घुटने के बल चलना सीख जाते हैं तो उन्हें सीढ़ियां बहुत ही पसंद आती है, वो सीढ़ियों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा होगा तो ये बातें आपको ज़रूर पता होगी। और फ्रेंड्स, जब भी बच्चा ज़मीन या कारपेट पर खेल रहा हो तो उसके आसपास मोटा कंबल या तकिया ज़रूर लगा दें, ताकि वो अचानक गिरने पर उसके सर में चोट ना लगे। फ्रेंड्स, फर्नीचर या दूसरी भारी चीज़ों को बच्चे से दूर रखें। घर की दीवारों पर फोम गार्ड लगवा सकते हैं, ताकि बच्चे को पलटने पर चोट ना लगे। अगर नहीं तो आप बच्चे पे ध्यान दें। फ्रेंड्स, जब बच्चा पलटना शुरू कर देता है तो यह माता पिता की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। सिर्फ बच्चे के जागते समय ही नहीं, बल्कि उसके सोते समय भी माता पिता को उस पर नज़र बनाए रखने पड़ता है और उसे सुरक्षित माहौल देने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, पेरेंट्स को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर सो रहा है तो उसके आसपास इतने सारे खिलौने ना रख दें, तकिए कंबल, कि उसका दम घुट जाए। अगर ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा पलटना नहीं सीख रहा है, 6 से 7 महीने हो जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे पर ध्यान दें। अपने बच्चे को टमी टाइम ज़्यादा दें, यानी पेट के बल ज़्यादा लिटा के रखें, को पलटने या फिर बैठने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करें। अगर बच्चा पलटना सीख गया है तो जल्द ही घुटने के बल चलना भी सीख जाएगा। फ्रेंड्स, अगर जितना ही देरी करेगा वो पलटने में, उतना ही देरी होगा घुटने के बल चलने में। और अगर इस सब एक्टिविटी में देरी होगा तो फिर बच्चे को चलने में भी देरी होगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, अपने बच्चे का केयर करना होगा, बच्चे को टाइम टाइम पे मालिश करना होगा, बच्चे को टमी टाइम भी देना होगा सही से। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको बच्चे को टमी टाइम देना चाहिए। वैसे तो बच्चे अगर पलटना सीख गए हैं तो खुद ब खुद वो पलट जाते हैं पेट के बल। बच्चा नहीं पलट पा रहा है तो उसको टमी टाइम आप खुद ही दे सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जा रहा है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।